आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। ये उनका सपना था। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के बवाना इलाके में भाषण के बीच में फूट फूट कर रोने लगे अरविंद केजरीवाल, जानिए क्या है वजह। विद्यालय के उद्घाटन समारोह में अरविंद केजरीवाल स्कूल के मंच पर खड़े हो गए। वह भावुक हो गए और उनके आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे रोने लगे और उनका गला भर आया जब उन्होंने भावपूर्ण ध्वनि में अपने पूर्व डिप्टी सीएम के बारे में बात की तो उनकी आवाज विचलित हो गई। उन्होंने कहा, आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है, यह सब उनका सपना था। इस दृश्य ने उनके और उनके समर्थकों को भावनात्मक बना दिया। इसको ठीक करा दो, और मैं वादा करके गया था कि स्कूल को ठीक कराएंगे। आज वादा डबल पूरा हो रहा है। आपको एक नहीं दो दो स्कूल मिल रहे हैं। एक है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, जो कि इतने शानदार हैं। दिल्ली के अंदर 30-35 ही हैं। कितने हैं? स्कूल ऑफ 35 स्कूल हैं। उन 35 में से अब एक स्कूल बवाना में बन गया। इस स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में एडमिशन लेने के लिए मार होती है। मेरे ख्याल से 1 लाख बच्चे बैठते हैं और कुछ चंद हजार बच्चों का एडमिशन होता है इसमें, इस स्कूल में। वो एक स्कूल, इतना शानदार स्कूल, जिसमें प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के बच्चे इसमें आते हैं, वो आपके बवाना में बन गया। और दूसरा जो लड़कियों वाला स्कूल था लगभग 850 बच्चियाँ पढ़ती हैं, जो टूटी फूटी बिल्डिंग थी, अब वो थोड़े दिन इसी बिल्डिंग से चलेगा, फिर जो सड़क के उस तरफ है, 5 एकड़ जमीन है, वहाँ पे आप लोगों के लिए एक शानदार स्कूल लड़कियों का वहाँ पे भी बनाया जा रहा है। तो मैं वादा एक स्कूल का करके गया था, दिए दो स्कूल। हम लोग जितने वादे करते हैं उसे डबल पूरे करते हैं। मुझे आज बेहद खुशी है, मैं अभी पूरा स्कूल घूम के आया। इतना शानदार स्कूल, क्या लाइब्रेरी है देखिए आप लोगों ने बच्चों। मैं हमेशा कहता था कि मेरे को इस देश ने बहुत कुछ दिया है। मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा, अच्छे कॉलेज में गया, आईआईटी खड़गपुर में जब मैं पढ़ता था, मेरी 32 रुपए ट्यूशन फीस होती थी महीने की। उन दिनों में 32 रुपए तो कुछ भी नहीं होते, तो इसका मतलब, जबकि आईआईटी बहुत बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, देश का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है इंजीनियरिंग का, तो 32 रुपए लेती थी सरकार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश जो है वो मेरे ऊपर पैसे खर्च कर रहा था। मुझे इंजीनियर बनाने के लिए देश ने पैसे खर्च किए। आज मेरा फर्ज बनता है और मैंने ठाना है
कि जो इतनी अच्छी शिक्षा देश ने मेरे को दी उससे भी अच्छी शिक्षा मैं अपने बच्चों को दूं, अपने दिल्ली के बच्चों को जैसी शिक्षा मेरे को मिली उससे ज़्यादा अच्छी शिक्षा मैं बच्चों को दूं। तो मैं आज आपको पूरी विश्वास के साथ बता रहा हूं कि जैसे स्कूल में मैं पढ़ा था, मैं हिसार में पढ़ा था, जिस स्कूल में पढ़ा था वो सबसे अच्छा स्कूल था हिसार का, जिस स्कूल में मैं पढ़ा था उससे ज़्यादा शानदार ये स्कूल है। आपका जो स्कूल बन के तैयार हुआ है, हमारे यहाँ ऐसी लाइब्रेरी नहीं थी, यहाँ देखो सारे एयर कंडीशन लगे हुए हैं इस हॉल के अंदर। कभी सुना था सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशनर भी लगते हैं? कभी नहीं सुना था। इतना शानदार ऑडिटोरियम, इतने शानदार क्लासरूम, इतनी शानदार लेबोरेटरी, इतना शानदार लाइब्रेरी। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि सारी बच्चियाँ बहुत खुश हैं, सबके चेहरे पे खूब स्माइल आई हुई है, और सबको, बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई इतना शानदार स्कूल मिलने के लिए। मैंने कई देशों को स्टडी किया। हमारा देश आज़ाद होने के बाद कई देश ऐसे हैं जो हमारे बाद आज़ाद हुए, जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर 60s में आज़ाद हुआ, लेकिन आज हमसे आगे बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? सिंगापुर में सबसे ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया शिक्षा को। बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, सड़कें भी बन जाएंगी, पुल भी बन जाएंगे, सब हो जाएगा। अगर हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया तो एक पीढ़ी के अंदर देश से गरीबी दूर हो सकती है। कैसे? जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। मैंने कई सारे उदाहरण देखे हैं पिछले कुछ सालों के, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हमने शिक्षा पे ध्यान देना चालू किया। कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से निकले, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। जब शिक्षा खराब थी, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, पढ़ाई होती नहीं थी और बच्चे, गरीब का बच्चा गरीब रह जाता था। बड़े बड़े स्कूलों में अमीर अपने बच्चों को भेजते थे, अमीर का बच्चा फिर अमीर बन जाता था। अब गरीबों के बच्चे, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, गरीबों के बच्चे, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, इतने। तो सोच के देखो, एक बच्चा जो सरकारी स्कूल से निकल के, जैसे एक प्लम्बर है, मैं देख रहा था, वो बेचारा 8,000 रुपये महीना कमाता है, उसका बेटा सरकारी से निकल के पढ़ाई करके और उसका कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया, एक IIT में, जहां से मैं पढ़ाऊँ वहीं पे उसका एडमिशन हो गया IIT में, कंप्यूटर साइंस में। अब जब उसका बच्चा निकल के जाएगा, स्कूल से निकलेगा, तो उसको कम से कम 2.5-3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलेगी। उसके पिताजी 8,000 रुपये कमाते हैं और उसको मिलेगी 2.5-3 लाख रुपये महीने की तनख्वाह। तो एक बच्चे का तो परिवार की गरीबी दूर हो गई, हुई कि नहीं हुई? ऐसे अगर हमने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी तो एक पीढ़ी के अंदर जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये अपने अपने माँ बाप की, अपने अपने परिवार की गरीबी दूर कर देंगे। तो सोच के देखो, जब 1950 में देश आज़ाद हुआ था, अगर हम केवल एक ही काम में देश आज़ाद हुआ था, अगर हम केवल एक ही काम कर देते उस टाइम, पूरे देश के अंदर बाकी सारे खर्चे बाद में कर लेते, एक खर्चा कर देते, सारे देश के सारे सरकारी स्कूल शानदार बना देते। मुझे लगता है आते आते 1970 तक, अगर 1950 में ये कर दे, 1970 तक, 50 में ये कर दे, 1970 तक इस देश से गरीबी दूर हो जाती। बाकी तो ये बच्चे बड़े होकर अपने आप पुल बना लेंगे, अपने आप ये रेलवे भी बना लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे ये बच्चे। अगर हमारे देश के बच्चों के ऊपर, हम, कई सरकारें कहती हैं इतना पैसा कहाँ से लाएं, इतना पैसा खर्चना पड़ेगा। अरे पैसा तो सबके पास है, ये डिसाइड करना है कि खर्चा किस चीज पे करना है। कोई हमारे पास ज्यादा पैसा थोड़ी है दिल्ली में, दिल्ली के पास भी उतना ही पैसा है जितना बाकी सरकारों के पास है। हमारा मन ये कहता है, हमारा दिल ये कहता है कि अगर शिक्षा में हमने पैसा खर्च कर दिया तो एक पीढ़ी के अंदर, कम से कम 10-15 साल के अंदर, इस देश की गरीबी दूर हो सकती है। ये पहले ही हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दूसरी चीज,
पीटीए तो होती है, आप लोगों के पेरेंट्स भी आते हैं, ये भी आते हैं, ये टीचर्स, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि अब हम सुझाव लेना चाहते हैं। अब थोड़े दिन के अंदर सारे पेरेंट्स को बच्चों के थ्रू हम फीडबैक फॉर्म भेजेंगे। हम जानना चाहते हैं कि पेरेंट्स को क्या लगता है, क्या सुधार और होना चाहिए। कई बार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें सुधार कर दो तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम तक पहुंचती नहीं बात, हमें पता नहीं चलता कि ये छोटी चीज़ कौन सी है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, क्या है। तो सुझाव, अंग्रेजी में कहावत है, द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस, वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो अगर हम अब पूरे दिल्ली के अंदर सारे पेरेंट्स को फीडबैक के लिए लिखेंगे कि आप बताओ क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे की पढ़ाई में कुछ सुधार हुआ, क्या आपको लगता है कि स्कूल में कुछ सुधार हुआ, आपके हिसाब से और सुधार हुआ, आपके हिसाब से और क्या क्या कर सकते हैं आपके बच्चे को अच्छी पढ़ाई देने के लिए, आपके हिसाब से और क्या क्या कर सकते हैं हम स्कूल को अच्छा करने के लिए। आप लोगों से हम सुझाव मांगेंगे और उन सारे सुझावों के बेसिस पे हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है, ये उनका सपना था। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी, उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगा के फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। उनको लगा कि उनको जेल में क्यों डाला हुआ है, देश में इतने बड़े बड़े डाकू घूम रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते। उनको मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए डाला हुआ है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है। अगर आज मनीष सिसोदिया अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहा होता, अच्छे स्कूल नहीं बना रहा होता, उसको जेल में नहीं भेजते, किसी हालत में जेल में नहीं भेजते। उनको तकलीफ हो रही है कि इस तरह से अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है चारों तरफ। मैं जहां भी जाता हूं पूरे देश के अंदर सब एक ही बात करते हैं कि जी स्कूल बड़े अच्छे बन गए, दिल्ली के बच्चों के नतीजे बड़े अच्छे आने लग गए, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लग गई, इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। अगर मनीष सिसोदिया जी शिक्षा पे आपके लिए काम नहीं करते, उनको जेल नहीं होती। तो हमें उनके सपने पूरे करने हैं, उनके काम को नहीं रुकने देना। बड़ी जल्दी वो बाहर आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सच्चाई कभी हार नहीं सकती, भगवान साथ देता है। जो लोग सच कहते हैं उनका भगवान साथ देता है, वो जल्दी बाहर आएंगे और इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब तक वो अंदर है, हमें और दुगनी स्पीड से शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग आगे बढ़ के खूब तरक्की करें, देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।